ये देख वैसा ही है भाई, कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी होगी होगी घर में, बिल्कुल वही हालत है घर की जैसे पहले था, नॉर्मल साधारण लाइफ। माँ नमस्कार, जय भीम, जय भीम जी, मिठाई ले लो, मिठाई खाओ पहले तो। बैठ जाओ बैठ जाओ, नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से आराम से आराम से, कोई नहीं, मुँह मीठा कराएंगे हल्का सा, ये वैसे हल्की मीठे की है। और ठीक हो? बहुत बहुत ले बेटा, ठीक हो आप जी, नमस्ते। और ठीक हो? लो भाभी मिठाई खाओ। और कैसे हो आंटी जी? बढ़िया। चंद्रशेखर भाई से कब बात हो जाती है? हो जाती है कभी? बहुत बिजी रहता है वो तो। अरे 4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, और आप ठीक है वैसे? ओहो अच्छा अच्छा, हाँ ये आप देख सकते हैं अभी दवाई भी चल रही है आपकी, है ना, ये सब आप ही की दवाई है, ये देख सकते हैं ये सभी दवाई इनकी है जो अभी। क्या चल रहा है, क्या मतलब क्या दिक्कत है आंटी जी आपको? अभी तो सूख जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सूजन है पैरों में, है ना? बाथरूम बार बार। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अच्छा अच्छा, और चंद्रशेखर भैया आपसे मिल लेते हैं कभी? आते हैं मिलने? अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ये ऑक्सीजन भी है लगा, ये मतलब अभी मम्मी की तबीयत थोड़ा नाजुक है वैसे कि दवाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं, है ना, और इन सब के बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद जी मतलब लेते हैं थोड़ा, माँ से मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। अब आप देख सकते हैं राजनीतिक कारणों में आदमी कितना व्यस्त रहता है, उसके बाद भी आ जाते हैं मिलने के लिए। वैसे कितने दिन आते हैं वैसे जब आते हैं तो भैया? कितने दिन में? दो तो 5 मिनट भी नहीं बैठता, 5 मिनट की मिनिमम मिलती बेचारे को। अच्छा अच्छा, हाँ आप देख सकते हैं 5 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिलती है उनको बात करने की, प्यार से बात करने की। अच्छा अच्छा, बस और पैरों पर हाथ लगा। अच्छा अच्छा आशीर्वाद ले। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान उसकी। आज 14 अप्रैल था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था आंटी जी, सोचा मैंने कि चलो मैं आशीर्वाद लेता हूँ आंटी जी का, नमस्ते करता हूँ। हाँ तो बस इसी वजह से आ गया था आंटी जी, मगर मिलता हूँ थोड़ा माँ से, माता से आशीर्वाद लेता हूँ माता जी का। और सब ठीक है वैसे आंटी जी? कोई दिक्कत तो नहीं मम्मी? अच्छा अच्छा, वो भाई किधर है, छोटे वाला? वो सो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत, भगत सिंह मिला है अभी, भगत सिंह बाहर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कब आएंगे वैसे भैया, आपको बताओ? ना भाई मुझे नहीं पता। अच्छा 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 अच्छा, अभी तो वो उधर गए हैं नागपुर। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, बहू भी उनके साथ ही? अच्छा अच्छा, घर पे आते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आंटी जी, नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप हमेशा खुश रहें। जी जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माँ जी का इतना टाइम दिया आपने। हाँ जी जी, भगवान आपको जल्दी अच्छा करे, और मनोकामना करते हैं आप ठीक हो जाए। जी अच्छा भाभी जी, चलते हैं और ले लो मिठाई। लंडो का घर जैसा पहले था, आज भी वैसा ही है, ये देख सकते हैं पहले तो छोटे पेड़ पौधे थे, यहाँ पर आज पूरी बागवानी है। और आइए उनके घर में चलते हैं, उनके घर पर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। तो आइए लेके चलता हूँ अंदर मैं आपको, क्या क्या बदला है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले नहीं लिखे हुए थे यहाँ पे स्लोगन, तो ये आज स्लोगन लिखे हुए हैं हर तरफ चारों तरफ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बाबा साहब का जन्मदिन है, तो ये मिठाई भी यहाँ पर दे रहे हैं एक दूसरे को। मैं रुका हुआ था, थोड़ी दिक्कत ये आ गई, और कुछ भी ना है। हेलो भगत सर, कैसे हो आप? आई एम फाइन, बढ़िया। हाँ जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ तो मिठाई मिठाई खिलाइए 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 हमको भी, खाओ। ये पूरा पी लेना पड़ता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और कैसे हो आप भैया? ये भगत भैया हैं बिल्कुल हूबहू चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद रावण की शक्ल से इनकी मैच शक्ल करती है बिल्कुल। और ये देख सकते हैं, हेलो भैया कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। आप पड़ोसी हैं क्या? पड़ोसी का मतलब बीमारी बनाने वाले में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और भैया अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बीमारी बनाने वाला मैं हूँ, ये तो सब मेरा कमाया हुआ खा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया आप मैं पड़ोसी हूँ।
अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये अभी हुआ ना, ये बदलाव जो अभी लिख रखा है सब, ये अभी लिखा गया, पहले नहीं लिखा था ये। निमाड़मी संरक्षक भाई साहब सतीश रावत साहब। सतीश रावत जी आपका नाम जी? अच्छा, यही है वो सब जिन्हें मेहमानी बनाई। ओके ओके, विपिन मिठाई ले लीजिए, ले लीजिए आप। हाँ नहीं, आज तो जाहिर खानी पड़ी ज़्यादा। हमारा खाओ, खाओ। पुराना साथी इस टाइम हमने मेहमानी बनाई। लो जी, ले लो, ले लो सर जी। ठीक है, और ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई परमपाल सिंह। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी। और ये हमारा बेटा है पी चौधरी, ये भैया इधर। अच्छा अच्छा, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से लगभग एक साल पहले, अभी मैं फिर आया हूँ और आप देख सकते हैं कोई बदलाव नहीं है। बहुत सारे कमेंट मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि ये मतलबी है लोग, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पर दोस्तों, स्वार्थ अगर होता है ज़रा सा तो वो दिखता है, पर यहाँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है उनके अंदर। और जो पहले था रहन सहन, बिल्कुल वही रहन सहन है अभी भी, और उनके घर में जो जैसा पहले था बल्कि वैसा ही है, अगर बिल्कुल सारा घर वैसा ही है, घर में भी ऐसा ही स्थिति है और गेट भी वही है, और घर पे ऐसे ही खाना बनाते हैं जैसे चूल्हे पे नॉर्मल खाना बनाते हैं सभी। तो दोस्तों, ये फिर मैं और फिर उसमें आया था मैं माताजी का आशीर्वाद लेने, उनका हालचाल जानने के लिए। और चंद्रशेखर भाई मतलब इतने बिजी रहने के बावजूद भी वो एक हफ्ते में दो से तीन दिन का टाइम दे देते हैं अपनी माँ को, जैसा कि उनकी माताजी बता रही थी। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा और